विपक्षी पे लाया गया, क्या कुछ उन्होंने कहा, चूंकि प्रधानमंत्री पे निशाना साधा है उन्होंने। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज चूंकि संजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद हैं, आपने देखा होगा कि उनकी रिमांड की जो अवधि है वो खत्म हो रही है और आज ईडी संजय सिंह को ईडी ने पेश किया है। और आज जब राउस रेवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह जैसे ही एंटर करते हैं और पत्रकार जो है उनसे सवाल करते हैं, तो संजय सिंह का सीधा जवाब होता है कि मैं इन यातनाओं का पैमाना चेक करना चाहता हूँ। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से इन्हें यातना दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो राउस रेवेन्यू कोर्ट है उसमें सुनवाई चल रही है। ईडी की ओर से यही कहा जा रहा है कि संजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, वो कहीं ना कहीं जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही सर्वेश मिश्रा का भी नाम निकलकर सामने आया है। ईडी ने यह भी कहा है कि सर्वेश मिश्रा भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही कारण है कि ईडी जो है वो कहीं ना कहीं 5 दिन की और रिमांड की मांग कम से कम करना चाहती है, यानी कि राउस रेवेन्यू कोर्ट से ईडी ने किया है। सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, चूंकि अंदर अभी भी सुनवाई चल रही है। इसके साथ ही ईडी ने ये बताया है कि एक बिजनेसमैन से हमने पूछताछ की है और इस स्टेज पर, यानी कि अभी हम उस बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अभी भी अंदर सुनवाई चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि राउस रेवेन्यू कोर्ट क्या ईडी की बातों पर सहमति जताता है, यानी कि ईडी जो रिमांड की मांग कर रही है और 5-6 दिन होगी, तो राउस रेवेन्यू कोर्ट रिमांड देता है या नहीं देता है। फिलहाल संजय सिंह की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि लगातार ईडी यही कह रही है कि तमाम जो डिजिटल साक्ष्य है, क्योंकि पिछली बार भी ईडी ने यही कहा था कि डिजिटल जो साक्ष्य है उसके आधार पर कहीं ना कहीं हमें आमने सामने बैठाकर इन लोगों से पूछताछ करनी है, चाहे संजय सिंह की बात करें, सर्वेश मिश्रा की बात करें या जो त्यागी हैं उनकी बात करें, यानी कि तीनों लोगों को आमने सामने बैठाकर ईडी को जांच करना है। हालांकि आपने देखा कि सर्वेश मिश्रा की बात करें या त्यागी की बात करें, तो वो लोग कहीं ना कहीं उनको भी ईडी ने समन भेजा था संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद, और कहीं ना कहीं पूछताछ हुई थी। इसके साथ ही आप देखिए, एक तरफ संजय सिंह की यहाँ पेशी हो रही है, दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी से विधायक है अमानतुल्ला खान, उनके यहाँ ईडी की रेड फिलहाल सुबह से ही चल रही है। तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ईडी के रडार पर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि चाहे आप सत्येंद्र जैन के मामले को देखिए, हालांकि वो मामला इससे अलग जरूर था, अमानतुल्ला खान का मामला अलग जरूर है, लेकिन संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का मामला एक जैसा है, यानी कि एक चीज से शराब नीति से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईडी के रडार पर ये चारों नेता कहीं ना कहीं फिलहाल है, और इन चारों नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने थोड़ी देर पहले यहाँ आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रदर्शन भी किया, तमाम जो कार्यकर्ता है हजारों की संख्या में यहाँ जुटे हुए थे। चूंकि राउस रेवेन्यू कोर्ट से थोड़ी ही दूरी पर जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है वो है, तमाम कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं रोका भी गया। लेकिन आज राउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, काफी महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो चल रही है। लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह का आक्रामक रुख रहता है वो पिछली सुनवाई में भी देखने को मिला, यानी कि जब वो कोर्टरूम में अंदर आए तो उन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला बोला, और आज भी जब वो एंट्री कर रहे थे तो वो आक्रामकता में कहीं कमी नहीं आई है। जिस तरीके से राज्यसभा में वो आक्रामक रूप से नजर आते थे या जवाब देते हुए नजर आते थे, और अभी भी जब राउस रेवेन्यू कोर्ट में चूंकि पेशी हो रही है और इस दौरान जब कोई पूछ रहा है कुछ, तो कहीं ना कहीं वो आक्रामक रूप से मोदी सरकार पर जुमानी तौर पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पीयूष, इस तमाम जानकारी के लिए। तो संजय सिंह जिनको पेशी पे यहां लाया गया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कटाक्ष किया, निशाना साधा और कहा कि वो मेरे साथ बच्चों वाला खेल खेल रहे हैं, मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी जब हुई तभी से मामला लगातार गरमाया हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी 4 अक्टूबर को हुई थी, और संजय सिंह को दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट में आज लाया गया है, जहां उन्होंने प्रतिक्रिया दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा।